अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत जरूरी है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इफ ए इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है, देन द ट्रेस ऑफ ए डिनोटेड बाय टी आर इन टू ए is defined to be the sum of the entries on the main diagonal of A. अगर A एक square matrix है, तो उस trace of matrix A T R A से denote किया जाएगा और define ऐसे इस तरीके से किया जाएगा कि वो sum of the main diagonal entries होता है, कि जो diagonal वाली entries होती हैं, उनका sum होता है। एक specific और special condition लगाई गई है, वो ये है कि the ट्रेस ऑफ ए इज अनडिफाइंड इफ ए इज नॉट अ स्क्वेयर मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वेयर मैट्रिक्स नहीं है, तो ट्रेस ऑफ ए जो है अनडिफाइंड है। इसका मतलब कि जो मैट्रिक्स स्क्वेयर मैट्रिक्स होगा, सिर्फ उसी का ही ट्रेस मैट्रिक्स आएगा, अदरवाइज जो स्क्वेयर मैट्रिक्स नहीं होगा, उसका ट्रेस जो है मैट्रिक्स नहीं आएगा। अब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालने के लिए स्क्वेयर मैट्रिक्स होना जरूरी है, इससे हमें यह पता चल गया। अब स्क्वेयर मैट्रिक्स क्या होता है, रिकॉल करते हैं। स्क्वेयर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जो साइज ऑफ मैट्रिक्स है, साइज ऑफ मैट्रिक्स वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर होते हैं। मतलब कि 2x2 का जो होगा वो भी स्क्वेयर मैट्रिक्स होगा। अगर साइज ऑफ मैट्रिक्स आ जाए 3x3, तो वो भी स्क्वेयर मैट्रिक्स होगा। वो मैट्रिक्स स्क्वेयर मैट्रिक्स नहीं होगा जिसका साइज जो है, साइज ऑफ मैट्रिक्स जो है वो उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो। अगर साइज ऑफ मैट्रिक्स 2x3 या 3x2 है, तो वो स्क्वेयर मैट्रिक्स नहीं है। द अबव मैट्रिक्स आर नॉट स्क्वेयर मैट्रिक्स, आर नॉट स्क्वेयर मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं जी कुछ एग्जांपल्स के साथ। लेट्स सपोज ए एक मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज हैं 3, 7, 9, 10, 13, 14। अब इसका साइज देखेंगे तो साइज ऑफ ए जो है वो है 2x3। अब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए इज नॉट स्क्वेयर मैट्रिक्स। Therefore, trace of A is undefined. B एक मैट्रिक्स है, इसकी एंट्रीज है, इसका साइज है जी मेरे पास, साइज ऑफ मैट्रिक्स B जो है वो है 2x2। इसका मतलब ये स्क्वेयर मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रेस ऑफ बी कैसे फाइंड किया जाएगा, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। अब डायगोनल क्या होता है, मेन डायगोनल ये है जी, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है, ये डायगोनल है हमारा, ऊपर से जो एक डायगोनल लाइन आती है, तो डायगोनल में जो एंट्रीज होती हैं उनको डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं। लेट्स सपोज ये 3 और 9 जो है ये डायगोनल में आ रहे हैं ना, तो इन दोनों एंट्रीज को हम डायगोनल एंट्रीज बोलेंगे, सम ऑफ देयर डायगोनल एंट्रीज। तो हम इन दोनों एंट्रीज को प्लस कर देंगे, 3 प्लस 9 ये क्या आ गया जी 12। तो ट्रेस ऑफ बी किसके इक्वल है, 12 के इक्वल। जी तो मेरी कॉम के नौजवानों, इस लेक्चर में हमने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसी मैट्रिक्स का हम ट्रेस फाइंड कर सकते हैं
जो कि स्क्वेयर मैट्रिक्स होगा। स्क्वेयर मैट्रिक्स होंगे तो हम उनका ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। अगर स्क्वेयर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसका जो ट्रेस होगा वो अनडिफाइंड होगा। और हमने इसकी एग्जांपल्स से भी वजाहत की है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो स्क्वेयर ना होने की वजह से अनडिफाइंड आ गया उसका ट्रेस, और जिसका स्क्वेयर मैट्रिक्स है वो हमारा ट्रेस उसका हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए YouTube पर और Google पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।